नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डोगरा। तो इस वक्त हम मौजूद है NH 44 नगरोटा हाईवे पे मौजूद है, और आपको बताते चले यहां से जो सुबह एक आपको बताते चले कि जो सिद्रा में हुए हादसे को लेके यहां से 1 किलोमीटर की दूरी में हम लोग मौजूद है। यहां पे NH हाईवे पे नगरोटा पे खड़े है, और यहां पे सबसे पहले तस्वीरें जो है आपको दिखाते चले किस तरह से यहाँ पे सबको रोका जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुबह हादसे की बात करें तो जो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आपको बताते चले कि पहले खबर थी सूत्रों के हवाले से 3 आतंकवादी जो थे उनको मार गिराया, और आपको बता दें जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है वो 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया है, जिनको नगरोटा थाने में उनकी डेड बॉडी को रिकवर करके ले जाया गया है। और इस वक्त तस्वीरें जो है द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से यहाँ पे पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पे गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि अभी जो जिस ट्रक को जब्त किया गया है वहां से क्लियर हो रहा है। और आपको बताते चले 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर को बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है नगरोटा, और आपको साथ साथ में बताते चले कि जो ड्राइवर है वो फरार है, अभी तक ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी एक टीम बनाई जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है कि ये जो जाना चाहते हैं नजदीकी कौन है, तलाशी जो है वो भी ली जा रही है आने जाने वालों को, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो। और आपको बताते चले कुछ दिन पहले भी वहां पे एक आवाज आई थी, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दे कि ब्लास्ट हुआ जो 10 दिन के बाद अनंतनाग की गाड़ी भी वहीं पे पलटी थी, जो ट्रक था अनंतनाग का वहीं पे पलटा था, और 10 दिन पहले की बात करें, और 4 आतंकवादी को मार गिराया है एयरफोर्सेज द्वारा। पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, कहीं ना कहीं सैल्यूट करते हैं इनको भी जो अपनी जान पर अपनी ड्यूटी जो है बड़े अच्छे से निभाते हैं। दिन रात की बात करें और सुबह ये जो हादसा है वो 7 से 7:30 के बीच की बात है, और इस वक्त तस्वीरें जो है NH 44 ये नगरोटा हाईवे से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जम्मू के सिद्रा में यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में ही सिद्रा है। सिद्रा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मारा गया, लेकिन हमने यहाँ पे सूत्रों के हवाले से पता किया कि 3 नहीं 4 आतंकवादियों को जो है मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक तरफ से बात करें नया साल आ रहा है 31 दिसंबर, और 26 जनवरी भी आने वाली है, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको भी सैल्यूट, उनको भी पूरा क्रेडिट जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पे नेशनल की तस्वीरें दिखा रहे हैं नगरोटा से, यहाँ पे भी रास्ता बंद किया गया है, किसी को भी आने जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही, और पूरी पूछताछ की जा रही है कौन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो है द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, और फिर से बताते चलूं जो 4 बॉडी है वो रिकवर हो गई है, और रिकवर हो गई है नगरोटा थाने में ले जाया गया उन बॉडी को रिकवर करके, और जो ट्रक जो अभी जब्त कर लिया गया है वहां से पूरा क्लियर किया जा रहा है, और जो वहां पे ड्राइवर था वो अभी तक फरार हो गया हुआ है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वो कौन था, कहाँ से आया था ड्राइवर का। और ये बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और जितने भी ट्रक आ रहे हैं वो यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको वापस उसी तरफ से भेजा जा रहा है। पीछे तस्वीरें जो है लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात कर दी गई है, और ये NH 44 नगरोटा नाके पे तस्वीरें हैं, और देखिएगा किस तरह से यहाँ पे आने जाने वालों को जो ट्रक है उनको वापस भेजा जा रहा है। जो गाड़ी है ये वो गाड़ी है जिनको रोका गया है, जब तक वहाँ पे क्लियर नहीं होता ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया गया है। पुलिस जो है यहाँ पे अनुमति नहीं दे रही, क्योंकि इसके फिर से बताते चलूं 1 किलोमीटर की ठीक दूरी में वहाँ पे जो हादसा हुआ था सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में, जो कि यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ था, और बताते चले सबसे पहले जैसे ही वहाँ पे चेकिंग के दौरान वहाँ पे ड्राइवर को नीचे बुलाया जाता है, और ड्राइवर जो है वो फरार हो जाता है, और उसी को चलते वहाँ से जो गोलियाँ हैं वो एनकाउंटर जो है शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से एनकाउंटर शुरू हो जाता है। और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद में साथ में ही पता लगता है, उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वहां पे 3 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, और अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो 3 नहीं 4 आतंकियों को मार गिराया है। देखिएगा किस तरह से पूछताछ करते हुए यहां पे ये अब यहां पे क्लियर कर दिया है, देखिएगा किस तरह से
कोशिश कर रहे हैं टू व्हीलर वाले, ये बता रहे हैं कि हमारा घर यहाँ पे है, उनसे आईडी प्रूफ लिया जा रहा है और पूछताछ करके ही छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में एनकाउंटर जो शुरू हुआ था और जो कि सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें से आपको बताते चले कि 4 आतंकियों को मार गिराया है। और 31 दिसंबर भी आने वाला है, लोहड़ी भी आने वाली है और 26 जनवरी भी आने वाला है। और थोड़े दिन पहले भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ था, उसी जगह में सेम ब्लास्ट हुआ था और तस्वीरें द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो सैल्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को जाती है, कहीं ना कहीं अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से करती है और मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाता है। जितने भी कोशिश की जाती है आतंकियों द्वारा, उनको आखिरकार मार गिराया जाता है। तो ये लेटेस्ट द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही, किस तरह से NH 44 नगरोटा हाईवे का रास्ता यहाँ पे बंद किया गया है, आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आधे पौने घंटे में ये रास्ते को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस तरफ की बात करें तो सिद्रा वाली साइड से भी वहाँ पे भी रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि एनकाउंटर को चलते अभी तक वहाँ पे प्रॉपरली क्लियर किया जा रहा है। जो ट्रक में वो आतंकवादी जो जा रहे थे, और देखिएगा अभी रास्ता छोड़ दिया गया है, ये रास्ता क्लियर हो गया है और वहाँ से फोन आ गया है, वहाँ पे जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उस रास्ते को क्लियर कर दिया गया है, अब कोई खतरा नहीं है। अब ये लोग जो रुके थे 4 व्हीलर पे 2 व्हीलर पे, इनको जाने की अनुमति दे दी गई है। काफी देर से ये लोग यहाँ पे रुके हुए थे और अब जैसे ही फोन आया इनको, अब इनको जाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। और ये मामला जो है मैं आपको फिर बताते चलूं, सिद्रा से है और जो कि सुबह 7 से 7:30 के बीच में एनकाउंटर शुरू होता है और वहीं पर चलते सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा वहां पे 3 आतंकियों को मार गिराया जाता है। लेकिन अभी इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि वो 3 नहीं 4 आतंकवादी निकले थे जिनको मार गिराया है, उनकी डेड बॉडी को रिकवर करके नगरोटा थाने में ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा किस मकसद से आए थे, क्या था मकसद। और जैसे कि थोड़े दिन पहले भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ था, आवाज आई थी और वही सेम जगह थी, और आज जो हादसा हुआ है वहीं पे एनकाउंटर वहीं पे हुआ है, और ये एक बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को जाती है। इस तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।